बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद धुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें, और थम्स अप करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम बनाएंगे सरसों का साग तो, और मैं आपको साथ ही अपने खेतों की थोड़ी सी सैर करवाऊंगी। तो चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ और अपने खेतों में। ये जी हम आ गए हैं अपने खेतों में, ये साग तोड़ा जा रहा है और ये माशाल्लाह सब्ज लहलहाते हुए खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं। ताज़ा टूटा हुआ साग और ये मैंने इतना सा तोड़ा है, बाकी भी साग तोड़ रहे हैं। तो चलें आप साग टूटता हुआ और खेतों को इंजॉय करें। ये साथ साथ हमारा साग भी टूट रहा है, तोड़ा जा रहा है। और साथ में इधर आपको और दिखाती हूँ, ये इधर मूलियाँ लगाई गई हैं, ये देखें जी, ये मूलियाँ भी हैं। इसके दरमियान दरमियान में धनिया भी बीजा गया है, सब्ज धनिया, ताज़ा धनिया का अपना मज़ा। कुछ भी बनाओ, जल्दी से फटाफट तोड़ो और डाल लो। ये देखें, ये मूलियाँ लगी हुई हैं और इसके साथ हमने लगाई है पालक, ये देखें जी, ताज़ा पालक। और इधर हमने लगाई हुई है मेथी, ये ताज़ा ताज़ा। ये हमारी गाजरें और ये सारा लहसुन, इधर लहसुन लगाया है, शलजम भी हैं। और इधर इन सारे खेतों में प्याज लगाया गया है। ये जी ये हमारे गांव के सब्ज लहलहाते हुए खेत, इधर आम भी हैं, खजूरें भी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से एक व्यू दे रही हूँ मैं आपको अपने गांव का, तो खूबसूरत सा प्यारा सा ग्रीनरी वाला गांव। और मज़े की चीज़ यह है कि हमारे गांव की सड़कें बहुत ज़बरदस्त पक्की। ये हमारा एक ट्यूबवेल है बहुत मज़े का, ये भी कभी मैं आपको इसकी भी सैर करवाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ से अभी थोड़ा सा दूर है इसलिए मैं बस आपको जूम करके सिर्फ दिखा रही हूँ, तो किसी दिन हम इधर भी चलेंगे। ये ऐसे करके हमारा प्यारा सा गांव है, साग अभी तोड़ा जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने साग की कटाई की तरफ। तो ये हमारी साग की कटाई हो रही है, साग पालक बाथू सारा कुछ हमने इस तरह से काट लेना है। ये देखें जी ये हमारी साग की कटाई हो रही है माशाल्लाह से। मज़े मज़े की आपको हम पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं, साग का कटना भी तोड़ना भी। ये देखें जी ये कुछ हो गया है कुछ अभी। ये हम 2 किलो साग बना रहे हैं और उसके लिए हमने ये किया है कि पहले साग को अच्छे से, साग के जो पत्ते थे हमारे उसको अच्छे से खुले पानी में हमने वॉश कर लेना है। अच्छे से करने के बाद फिर उसको पानी में बॉयल कर लेना है, और बॉयल करने के बाद जो उसका पुराना पानी था जिसमें उबाला है उसको सारे को अच्छे से स्ट्रेन कर देना है, उसको अच्छे से छान लेना है, निकाल लेना है। और फिर हम उसमें दोबारा से ताज़ा पानी डालेंगे और इतना पानी उसमें डालना है कि सारे साग के पत्ते जो हैं वो उसके अंदर भीगे हुए आपको महसूस हों, सारे उसमें डिप हो जाएँ। अब इसमें हमने क्या करना है कि 1 किलो पालक, 1 गुत्थी मेथी और बाथू, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। उनको भी अच्छे से कटिंग करके धो लिया था हमने, ये इसके अंदर साथ ही हम डाल देंगे ताकि ये भी गलना शुरू हो जाए। ये साग हमारा पक रहा है, धुआं काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 2 किलो में हमने सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई 180 ग्राम हमने इसमें डाल देनी है। अच्छा, अब इसमें हमने नमक डाल देना है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने डाल देना है। ये हमारा 3 घंटे से इस पक रहा है और अब हम इसमें डालेंगे आटा। ये 1 कप हमने आटा लिया है, ये साइज़ कप का, और ये हमने थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रिंकल करना है, ये देखिएगा, और इसको साथ साथ हमने घोटना है। ये हमने 2 किलो साग हम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने 1 कप भर के आटा इसमें डाल लेना है।
ये देखें, ये हमने इस तरह से स्प्रिंकल करना है और साथ साथ इसको घोटना है, और इतना घोटना है कि पत्ते वगैरह डंडियां वगैरह सब यक जान हो जाए। अब हम साग को तड़का लगाएंगे और उसके लिए हम घी इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो के लिए, अगर 1 किलो साग को तड़का लगाना है तो 5 टेबलस्पून घी इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, ये हमने इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सबज प्याज हो थोड़ा सा वो डाल लें, और लहसुन अगर सबज है तो थोड़ा सा वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और ये हमारा साग जो हमने बनाया था, ये हम इसमें साग ऐड कर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसको ज़रा मिक्स कर लें। इसमें घी सिर्फ इतना सा डालना है आपने कि बस सिर्फ प्याज ब्राउन हो। तो आप इसको पहले ही बहुत थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि हमने मक्खन भी ऐड करना होता है इसमें। तो ये देखें, ये इतना कोई घी नहीं नज़र आ रहा इसमें। और इसकी अच्छा स्पेशलिटी ये है कि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डलती, हल्दी वगैरह नहीं डलती, सबज मिर्च सिर्फ इसके अंदर ऐड होती है। और अगर आप अपना टेस्ट कर लें वैसे, तो जितनी भी आपको सबज मिर्च कम लगे आप सबज मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर दें। ये मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसके अंदर डाल दी, नमक इसके अंदर डालना है थोड़ा सा, हम नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कर लेते हैं, तो वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बाकी बड़ा मज़े का साग आजकल की सौगात, साग हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलिए अब ये तकरीबन रेडी हो गया है, ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद इसमें मक्खन डालें और यमी यमी साग जो है वो आप रोटी के साथ खाएं, चावल की रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आप खाएं। और मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल ये हमारा साग रेडी, साथ में मक्खन का पेड़ा। तो अच्छा, इसको आप चावल की रोटी और बेसन की रोटी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। चावल की रोटी और बेसन की रोटी कैसे बनानी है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसको आप ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा बना है, और लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे।